अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज आपके साथ मोहम्मद नईम हुसैन और NH रिएक्शन TV में आप सबको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही यार इंटरेस्टिंग है NH रिएक्शन TV में। ख़ास तौर पर आज राम मंदिर का फैसला हुआ, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका है। तो इस वीडियो का टाइटल कुछ यूँ है, अयोध्या वेट्रिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला गया है या राम मंदिर, जो तकरीबन 1984 से पहले का ये बवाल खड़ा हुआ है कि इसमें हिंदू कहते हैं ये इस जगह पर हमारा मंदिर बनेगा और मुस्लिम इंडियन मुस्लिम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद बनेगी। तो इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो हम देखते हैं कि क्या फैसला है। इस वीडियो का लिंक और इस चैनल का लिंक NH रिएक्शन TV की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल HD स्मार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नया फैसला निकल कर सामने आ रहा है राम मंदिर के मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है कि वहाँ पर अब होगा मंदिर का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, ये कई वर्षों से मुद्दा अर्जा हुआ था, हिंदुओं का आस्था था, मुस्लिमों का आस्था था और सारी आस्थाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला सुनाते हुए, और वहीं पर हम आपको बता दें एक बहुत बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए जो है वहाँ पर वैकल्पिक जमीन देने की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये दिए गए हैं फैसले जो बेहद ही न्यायपीठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको वहीं पर बता दें और वहीं पर हम आपको बता दें इस मंदिर का निर्माण बेहद ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इसको ट्रस्ट में बताया कि ट्रस्ट के तहत इस मंदिर का निर्माण कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, और इस राम जन्मभूमि को न्यास को दे दिया गया है और अब पूरी तरीके से वहाँ पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें बेहद बड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो मेरा निवेदन है इसी तरीके की सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसला सुनाया है पूरे उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें धारा 144 लगाया गया, उसके तहत जो है अयोध्या के जो सटे जिले हुए थे वहाँ पर भी चौकसी अच्छे से की गई, वहीं पर अयोध्या में ड्रोन के द्वारा चौकसी की जा रही निरंतर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें ये फैसला जो था बेहद ही अच्छा था, बहुत बड़ा फैसला था और इस मुद्दे को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर इस खबर से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, किस तरीके की कैसे सुनवाई की गई, हम आपको यहाँ पर निरंतर हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर शेयर कर कमेंट करिए। जी ये वीडियो तो ख़त्म हो गई। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था, छोटी सी न्यूज़ थी, तो हमने चाहा कि इस वीडियो को देखें कि किसके हक में फैसला गया है। तो राम मंदिर ही उधर बनेगा बाबरी मस्जिद की जगह पर, जहां पर हिंदुस्तान में कई बरसों से ये झगड़ा जारी था कि मुस्लिम कह रहे थे कि यहां बाबरी मस्जिद बनेगी, हिंदू कह रहे थे राम मंदिर, मगर मेजॉरिटी हम देखें ना ज़्यादा आवाम, एक मुल्क में तकरीबन 90 करोड़ हिंदू पाए जाते हैं, 90 करोड़ हिंदू तो 25 करोड़ मुस्लिम हैं। तो अदालत ज़ाहिर सी बात है किसके हक में फ़ैसला देगी आपको पता है। तो मुस्लिम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन देने का दावा किया, तो इंशाल्लाह वो मिलेगी ज़रूर। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा फ़ैसला आया जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक के हक में किया, बहुत अच्छा वीडियो है। इस वीडियो का लिंक और इस चैनल का लिंक NH रिएक्शन TV की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।